crashed across the world. This is a system, the Microsoft 365 system is down. But we begin with that massive Microsoft technology outage. Cybersecurity firm CrowdStrike. Laptops, computers, पूरी दुनिया में अचानक से बंद हो चुके हैं. भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों में विमान सेवाएं ठप हो गई है. माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कतों की वजह से उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई है. कई कंपनियों के विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं. भारत में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स तय समय से देरी से चल रही है. भारत सरकार ने इन तकनीकी दिक्कतों के बाद माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया. स्पाइस जेट और इंडिगो ने भी इसी तरह की तकनीकी समस्या का हवाला दिया है. इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस का कहना है कि सर्वर में दिक्कत की वजह से सेवाएं ठप है. एयरपोर्ट पर चेक इन और चेक आउट सिस्टम ठप हो गए हैं. बुकिंग सेवा भी प्रभावित हुई है. सिर्फ विमान सेवाएं नहीं बल्कि कई देशों में बैंकिंग सेवाओं से लेकर टिकट बुकिंग और स्टॉक एक्सचेंज पर भी असर पड़ा. पूरी दुनिया में अचानक से लैपटॉप कंप्यूटर्स बंद होने लगे और उनकी स्क्रीन ब्लू होने लगी. पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट से चलने वाला हर एक सिस्टम बंद हो चुका है और अचानक से लैपटॉप चलते चलते लोगों के सामने कुछ इस तरह का एरर आने लगा. इसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बोला जाता है और ये प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को देखने को मिल रही है जो विंडोज लैपटॉप का यूज करते हैं. पूरी दुनिया के अंदर फ्लाइटें कैंसिल होने लगी और जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे उनके लैपटॉप अचानक से बंद होने लगे. और कुछ कंट्री तो ऐसी भी हैं जिनका पूरा स्टॉक मार्केट बंद हो चुका है. मानो ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ टाइम के लिए दुनिया रुक सी गई हो. रेलवे की जो टिकट ऑनलाइन होती थी वो हाथ से लिखकर दी जा रही थी. फ्लाइट से सफर करने वाले लोगों को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था. फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए जो बोर्डिंग पास होते हैं वो पेन से लिख कर दिए जा रहे थे. और ये सब शुरू हुआ था फ्राइडे को. और लोगों का ये मानना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक क्रैश माना जा रहा है जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक सनसनी मचा दी है. पर इस क्रैश से बहुत सारे एम्प्लॉय को बहुत फायदा हुआ है. वो बहुत ज्यादा मजे ले रहे थे क्योंकि अब उन्हें 2-3 दिन काम करना नहीं पड़ेगा. कल मैनू एक कुड़ी मिली जिदे गल्लां दे विच टोए मोए 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 और जानते हो जिन लोगों के लैपटॉप में ये बग आया था ना उनका रिएक्शन कुछ इस तरह से था. जो एम्प्लॉय लगातार ऑफिस में बैठकर काम करते थे आज वो गेम खेल रहे हैं और पार्टियां कर रहे हैं क्योंकि उन सब एम्प्लॉय का कहना है कि उन्होंने ऐसा अपनी जिंदगी में पहली बार होते हुए देखा है. तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना. ये बात है फ्राइडे के दिन 12 बजे की जब अचानक से बिलियंस ऑफ लैपटॉप पर ये अटैक हुआ. लोगों ने देखा कि अचानक से उनके लैपटॉप बंद होने लगे हैं. उन्होंने अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट भी किया लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ. और इसका मेन रीजन माना जा रहा है क्राउड स्ट्राइक की एक पॉपुलर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी को. फैल्कन सेंसर नाम के एक सॉफ्टवेयर में एक अपडेट पुश किया गया था. इस अपडेट के दौरान इस सॉफ्टवेयर में एक बग आ गया था जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ में कंपेटिबल नहीं कर पाया जिसकी वजह से बार बार लैपटॉप्स क्रैश करने लगे और सभी के लैपटॉप में एक ब्लू स्क्रीन दिख रही थी. और जानते हो इस फैल्कन सेंसर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए. और आज के टाइम पर शायद कोई ऐसी जगह होगी जहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है. आज के टाइम पर दुनिया में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जगह पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. यूएसए की इमरजेंसी लाइन 911 ये भी बंद हो चुकी थी और इसने भी काम करना बंद कर दिया था. और जानते हो इसका सबसे बड़ा अटैक यूएसए के अंदर ही देखने को मिला था. ये जो मीडिया कंपनी टेक कंपनी होती है इनका सारा का सारा काम रुक गया था. और जब मुझे इस बारे में पता चला तो सबसे पहले मैंने अपनी पीसी को ओपन करके देखा. जैसे ही मैंने अपनी पीसी को ओपन करके देखा तो मेरे खुशी के मारे ठिकाने नहीं थे क्योंकि मेरी पीसी बिल्कुल सही थी जबकि मैं भी माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा था. किसी ने भी नहीं सोचा था कि लोगों को ये दिन भी देखना पड़ेगा. बहुत सारी आईटी कंपनी के एम्प्लॉय को एक साथ में हंसे खुशे देखकर सबको बहुत अच्छा लग रहा था और सभी के सभी बहुत खुश थे कि उन्हें अब कुछ दिन काम करना नहीं पड़ेगा. और ये जो माइक्रोसॉफ्ट की 365 ऐप है ये सारी की सारी एक साथ में बंद होने लगी थी. और अब मैं आईटी कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में सोच कर बहुत खुश हो रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस चीज से क्योंकि ये अपना काम छोड़कर आई थिंक ये ऑफिस में बैठकर एंजॉय कर रहे थे. लेकिन इसमें फ्लाइट लेने वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी. जैसे कि आईटी कंपनी या फिर जिस कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज का इस्तेमाल होता है वो सारे के सारे डाउन हो गए थे. द माइक्रोसॉफ्ट ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसका इस तरह से डाउन हो जाना
ये एक बहुत बड़ी बात है। अचानक से बैंकों ने चलना बंद कर दिया, रेलवे स्टेशन न हॉस्पिटल न एयरपोर्ट। लोगों ने इसे समझने से इनकार कर दिया था कि आखिर ये हुआ कैसे। बड़ी बड़ी कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर थी उनका पूरी तरह से काम रुक चुका है। स्काई न्यूज से लेकर एबीसी न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और ये टेलीकास्ट भी नहीं कर रहे थे। भारत के अंदर भी बड़े बड़े एयरलाइंस जैसे कि विस्तारा, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इंडिगो, इन एयरलाइंस पर भी काफी असर पड़ा है। अब एक बात तो पक्की है, माइक्रोसॉफ्ट का इस तरह से क्रैश हो जाना ये पूरी दुनिया पर असर डालने वाला है। पर जो भी है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में जो भी हुआ है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। इससे हमें एक बात तो सीखने को मिलती है, चाहे कंपनी बनाओ या कोई भी काम करो, लेकिन ऐसा करो जिससे पूरी दुनिया हिल जाए। और इससे भी जरूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप भी अपने डेटा को सिक्योर करके रखो। किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी तरह की परमिशन देने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी निकाल लो, क्योंकि जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में क्रैश हो सकता है, वो हैक हो सकती हैं, तो आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। तो देखो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और माइक्रोसॉफ्ट इसे बहुत जल्दी हैंडल भी कर लेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय।